हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेसिंग लो। दिस इज मंजुला सिंगल ब्यूटी एक्सपर्ट और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आपके लिए, बहुत ही कमाल की, बहुत ही स्पेशल है। रीजन ये कि आज आपको एक डीआईवाई भी मिलेगा जो आपके बालों को बेहद खूबसूरत बनाएगा। आपकी पतली चोटी होगी मोटी और आपके छोटे बाल होंगे बड़े, लंबे, घने और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। और अगर आप प्रीमैच्योर ग्रेइंग से परेशान हैं तो आज की वीडियो में आपको वो सलूशन भी मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान। तो सबको तलाश होता है कि सीजन के हिसाब से एक ऐसा हेयर मास्क मिले जो आपके बालों के हर प्रॉब्लम का सलूशन हो, तो वही हेयर मास्क लेके आज मैं आपके लिए आई हूँ। ये न सिर्फ आपके बालों को घना, लंबा और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाएगा बल्कि काला बनाएगा। अगर आप प्रीमैच्योर ग्रेइंग से परेशान हैं तो इस वाले मास्क को इस्तेमाल करें और अपने बालों को बनाइए लंबे समय तक काला और बेहद खूबसूरत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो कमाल का हेयर मास्क कैसे बनाना है और उसको अप्लाई कैसे करना है, वो आपके बालों पे काम कैसे करेगा। लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए सरप्राइज है, बहुत ही ब्यूटीफुल सरप्राइज है, उससे भी आपके बाल बेहद खूबसूरत बनेंगे। लेकिन क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाँ, अभी मैं आपको एक ऐसी चीज फ्रेश न्यू रेमेडी बनाना बता रही हूँ जो कि मैं वॉश करने जा रही थी। मैंने इसमें मेथी का पेस्ट किया और जो ये मेथी चिपक गया इन दोनों चीजों में, उसी का हम एक रेमेडी क्रिएट करेंगे। तो ये जो मेथी इतना सा है, एक टीस्पून के बराबर है, और उसमें हम दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, ये आमंड पाउडर। इसमें कम से कम 10 से 15 आमंड है ड्राई रोस्टेड, जिसको मैंने पाउडर फॉर्म में बनाया है। ये आमंड पाउडर यही इसका मेन इंग्रेडिएंट है। मेथी के पेस्ट की जगह मेथी वाटर भी ले सकते हैं, बाकी ये आमंड पाउडर अपना काम करेगा। और लास्ट इंग्रेडिएंट होगा हमारा ये अंडा, इस अंडे की जगह फ्लैक्सीड जेल भी यूज कर सकते हैं। बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ये जब ग्राइंड हो जाएगा तो इसमें ऐड कीजिए अपने पसंद का ऑयल और ये आपका रेडी है। इसके बेनिफिट को और बढ़ाने के लिए आप इसमें आधा कप कोकोनट मिल्क भी डाल सकते हैं या फिर कोकोनट वाटर डाल सकते हैं, इसका फायदा और भी ज्यादा होगा। तो चलिए इसको ग्राइंड करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है। और ये हमारा देखिए ग्राइंड हो चुका है, ये मिक्सी से मैंने निकाल लिया है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है हेयर मास्क। फाइनल इंग्रेडिएंट होगा ये हनी, जो आपके बालों को मॉइस्चर देगा, क्योंकि जो आमंड पाउडर है उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, उसमें ऑलरेडी ऑयल होता है, वो जब ग्राइंड होता है तो उसे ऑयल रिलीज होता है। तो आपको ऑयल डालने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हनी डालिए ताकि आपके बालों की कंडीशनिंग भी हो जाए। तो आपका हेयर मास्क रेडी है जो बहुत ही कमाल का है। मेरी कोशिश होती है गाइस कि मैं ऐसा आपको हेयर मास्क बताऊं जो आपके बालों पे के हर तरह के प्रॉब्लम को ट्रीट करे, ना कि सिर्फ लेंथ या थिकनेस बढ़ाए या फिर सिर्फ हेयर फॉल कंट्रोल करे, बल्कि सारा कुछ करे। ये ना सिर्फ आपके बालों को मॉइस्चर देगा, ड्राइनेस से बचाएगा, कंडीशनिंग करेगा, स्मूथ बनाएगा, सिल्की बनाएगा। इसको लगाने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने केराटिन ट्रीटमेंट कराया है। इसको आपको वीक में बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ एक बार लगाना है, पूरे हफ्ते इसका असर आपके बालों पे दिखेगा। आमंड पाउडर आपके पास नहीं है तो उसकी जगह बादाम का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, फायदा उतना ही होगा। तो इस वाले हेयर मास्क को क्रिएट कीजिए। एक और अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है कि इसको आप फेस पे भी लगा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो चेहरे पे खराबी करे, तो इसको आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं, बालों में भी लगा सकते हैं। ये हो गया आपका एक मल्टीटास्किंग हेयर मास्क या फिर मास्क रेडी, जिसको बनाइए, अपने बालों में लगाइए, अपने स्किन में लगाइए, दोनों को बनाइए बेहद खूबसूरत। तो देखा आपने कितना आसान था ये बनाना और इसका फायदा होगा बहुत ही ज्यादा। अभी जो सीजन चल रहा है विंटर सीजन, इस समय के लिए परफेक्ट हेयर मास्क है। इससे आपके बालों के बहुत सारे प्रॉब्लम ट्रीट हो जाएंगे और आपके बाल लंबे, घने और बेहद खूबसूरत बन जाएंगे। इसको अप्लाई करना वीक में कम से कम दो बार। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसको इसके एप्लीकेशन के बाद कौन सा शैम्पू इस्तेमाल किया जाए जिसका असर आपके बालों पे बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, माइल्ड हो, और उससे भी आपके बालों के कुछ प्रॉब्लम्स तो ट्रीट हो ही जाएं। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि इसमें आपको एक सरप्राइज एलिमेंट भी मिलने वाला है, तो जी हाँ, अभी मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके आपके प्रीमैच्योर ग्रेइंग की समस्या का समाधान हो जाएगा, और वो तरीका बहुत ही आसान है। जी हाँ, वो एक शैम्पू है, वो कंडीशनर है, उसका इस्तेमाल आपको करना है और अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रखना है। और वो कमाल का प्रोडक्ट है ये मामा अर्थ का हिना शैम्पू। जी हाँ, बहुत ही स्पेशल शैम्पू है ये, और आपने बहुत ज्यादा हिना शैम्पू के बारे में सुना नहीं होगा। हिना एप्लीकेशन एक मुश्किल प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहले हम हेना पेस्ट क्रिएट करते हैं, बालों में लगाते हैं, बहुत देर सूखने देते हैं, उसके बाद वॉश करते हैं, उसका नेक्स्ट डे शैम्पू करते हैं। तो उसका इलाज ये है कि कैसे हेना के फायदे को, बेनिफिट्स को अपने बालों में लेकर आया जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से। इस शैम्पू में हेना है, साथ ही साथ इंडिगो ऑयल है और है कॉफी। ये तीनों के तीनों हमारे बालों को काला बनाते हैं नेचुरल तरीके से, और साथ ही साथ बालों की कंडीशनिंग भी करते हैं। और आपको तो पता ही है कि मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, पेटा सर्टिफाइड होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, प्लास्टिक पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें भी किसी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है, हार्श केमिकल नहीं है जिससे कि आपके बालों पे बुरा असर हो। ये आपके बालों पे बेहद माइल्ड है, इसका एप्लीकेशन कोई भी कर सकता है। और वही सेम इंग्रेडिएंट है इस मामा अर्थ के हिना कंडीशनर में, ये आपके बालों को खूबसूरती से कंडीशन करेगा, सॉफ्ट एंड सिल्की बनाकर रखेगा,
साथ ही साथ फ्रिजीनेस से बचाएगा। अभी विंटर सीजन में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, बाल बहुत ही ज्यादा फ्रिजी हो जाते हैं। अगर आप इस हेना कंडीशनर और हेना शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों की जो रफनेस है, ड्राइनेस है, फ्रिजीनेस है वो दूर हो जाएगी। तो अगर आप प्रीमेच्योर ग्रेइंग से परेशान है, आपके बाल डल लाइफलेस नजर आते हैं और समय से पहले सफेद हो गए हैं, तो ये प्रोडक्ट आपकी हेल्प करने जा रहे हैं। हेना कंडीशनर में भी वही सेम इंग्रेडिएंट्स है, इसमें भी हेना के बेनिफिट्स हैं, इसमें भी इंडिगो है, कोकोनट ऑयल है और साथ ही साथ रोस्टेड कॉफी है। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट हमारे बालों के लिए बहुत ही सेफ है, इससे आपके बालों पे किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट अवेलेबल है नायका पे, पर्पल पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे और मामा की जो खुद की वेबसाइट है mamaearth.in पे। अगर आप मामाअर्थ के वेबसाइट से परचेज करते हैं तो कूपन कोड अप्लाई कीजिए manjula2022, उसके बाद आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। मामाअर्थ का ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च हो चुका है, जिसको अगर आप अपने फोन में डाउनलोड करते हैं तो उससे आपको सेल्स और डिस्काउंट्स की जानकारी मिलती रहेगी। तो इसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरे बालों पे इसका फायदा बहुत ही ज्यादा हुआ है। एक बार मेरे कहने पे इसको ट्राई कीजिए, रिजल्ट क्या आता है हमें जरूर बताइए। होप वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियोस, टेक केयर एंड बाय बाय।